RCM the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. इंग्लिश में मीनिंग देखिए, मैक्रो का मतलब है बड़ा, तो यानी कि वो पोषक तत्व, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, वो पोषक तत्व जिनको हमें बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना काम हमारे शरीर के अंदर कर सके, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि वो पोषक तत्व जो कि हमें ज्यादा मात्रा में जरूरी है उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको हम उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटी संख्या। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमें मिलते हैं रोटी, चावल, आलू, ज्वार, बाजरा, ब्रेड, मक्का वगैरह से। तो ये हमारे भोजन का बहुत ही अभिन्न अंग है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक बहुत ही जो है मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और इसी से हमें मेन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। इस बात को आप अभी नोट करें, हम आगे बात करेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जैसे कि आप जानते हैं हमें दूध से मिलता है, दही से मिलता है, दालों से मिलता है, मीट, अंडे वगैरह से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जो है ये हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, जैसे कि हर एक घर जो है ईंटों का बना हुआ होता है, इसी तरह से हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और ये कोशिकाएं किसकी बनी हुई होती हैं? ये कोशिकाएं बनी हुई होती हैं प्रोटीन की। तो ये हमारी जो, हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, स्किन है, सब चीजें इनको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। ये कैलोरीज क्यों जरूरी है और क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप ये समझने का प्रयास करें कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर का आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हमारे शरीर की हर चीज, हर कोशिका जो है प्रोटीन की ही बनी हुई है, और 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करने से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन जो है वो एक्चुअली में अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, और हमें कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, जितना हमारा वजन होता है उसके हर किलोग्राम के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो उनको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उनको 70 ग्राम प्रोटीन की रोजाना आवश्यकता होती है। तो ये हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है, और हमारे भोजन का भी अभिन्न अंग होना चाहिए प्रोटीन। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो है हमें बहुत सारे, हमारा जो रोज का जो खाना है जैसे कि दूध, दूध से डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, मक्खन वगैरह, और जो है ड्राई फ्रूट्स, दालें, अनाज, बीन्स वगैरह जो है, और जो है मीट, अंडे वगैरह से हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं आई एम श्योर आपने पीडीकास्ट के बारे में सुना होगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि पीडीकास्ट के बारे में हम कौन से प्रोडक्ट में बात करते हैं, या पीडीकास्ट का कोई अगर आपने कहीं पर भी सुना है तो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने ये सुना है? क्या आप मुझे चैट में ये जल्दी से बताएंगे कि पीडीकास्ट हमने कहां पे, कहां पर हमने बात करी है? ओके, सुपर्णा जी, यू हैव जॉइंड। ओके, बिल्कुल सही। ओके, ग्रेट। वुड यू लाइक टू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? या आई विल, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट लेट मी ओपन माय स्क्रीन।
ओके ग्रेट. सो पीडी कास्ट क्या होता है? पीडी कास्ट जो है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर है, और जैसा कि हमें चैट में मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल सही जवाब. ये हम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट के संदर्भ में हम अक्सर बात करते हैं. और पीडी कास्ट जो है ये प्रोटीन की गुणवत्ता जांचने का एक मानक है, और लैब्स के अंदर हम टेस्ट करते हैं कि ये प्रोटीन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये हमें पता चलता है. इसमें क्या सही मात्रा में अमीनो एसिड्स है या नहीं, क्या ये हमारे शरीर के अंदर हम इसको सही प्रकार से पचा पाएंगे या नहीं. तो ये बेसिकली प्रोटीन की क्वालिटी जांचने का एक तरीका है. और जिस भी प्रोटीन का पीडी कास्ट वैल्यू 1 होता है, यानी कि वो प्रोटीन जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है. तो ये बात को हमें समझना है. तो पीडी कास्ट क्या है? एक प्रोटीन की क्वालिटी जांचने का एक तरीका है जो कि हम लैब में टेस्ट करते हैं. तो जिस भी प्रोटीन की वैल्यू प्रोटीन की पीडी कास्ट वैल्यू 1 होती है वो सबसे बेहतर होता है. बात करते हैं फैट क्या है. तो जैसे कि आप जानते हैं फैट हमें मिलता है घी, तेल, मक्खन, बटर वगैरह से. और फैट जो है हमें एनर्जी देता है, और फैट जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है इनको अवशोषित करने में मदद करते हैं. और 1 ग्राम फैट का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है. तो ये बात हुई हमारे फैट की. नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन. विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पोषक तत्व है, और ये हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. और विटामिन्स हमें जो है हमें फल और सब्जियों वगैरह से हमें मिलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स. जैसे कि आप जानते हैं हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिनरल्स हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन. तो ये मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है, और ये हमारे शरीर के बहुत सारे जो क्रियाएं हैं उसमें काम करने में इनकी आवश्यकता होती है. तो ये जो है जैसे कि हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, हृदय और मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए जो है मिनरल्स की आवश्यकता है. जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारी हड्डियां मजबूत मजबूत हड्डियों के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बोरॉन वगैरह जो है ये मिनरल्स हैं, ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में जरूरी होते हैं. इसी तरह से बाकी सारे मिनरल्स जो हैं ये हमारी मांसपेशियों को ठीक से काम करने में, हमारे दिल को ठीक से काम करने में, हमारे मस्तिष्क को ठीक से काम करने में शामिल होते हैं. और इनफैक्ट हमारे जो शरीर के अंदर एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये भी जो है इनको बनाने के लिए भी मिनरल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पाचन क्या है. पाचन जो है पाचन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले तो हमें ये समझना है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं. हम एक्चुअली में खाना इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचे. और वो जो जो पोषक तत्व हर जब कोशिका तक पहुंचते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारी कोशिकाओं की ठीक से काम करती है, कोशिकाओं की मरम्मत रिपेयर वगैरह होती है, और हमारे शरीर का विकास होता है. तो पाचन यानी कि वो जो है हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम ले रहे हैं उसको उनको पोषक तत्व में बदल देता है, और फिर वो जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को जो है उनकी सारी जो हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं उसके काम करने में जो जरूरत होती है उसको हम कहते हैं पाचन. अब हम बात करते हैं अवशोषण क्या है. अक्सर हम अवशोषण की भी बहुत बात करते हैं. अवशोषण का मतलब है जैसे हमने खाना खाया, वो हमारे पेट के अंदर गया, उसका पाचन हुआ. अब पेट से जो है हमारा खाना हमारी आंतों के अंदर जाता है. अब आंतों के अंदर जो है जो हमने खाना खाया है और उसके अंदर जो पोषक तत्व है, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये पोषक तत्व अलग हो जाएंगे, यानी कि अवशोषित हो जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो बचा हुआ खाना जो है वो हमारे शरीर से टाइम टू टाइम निकलता रहता है. तो ये जो हमारे पोषक तत्व जो कि हमारे जो है भोजन से अलग हो गए हैं, और ये जो पोषक तत्व जो है ये खून के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, आंतों से हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचेंगे, इसको हम कहते हैं अवशोषण. अब देखिए जैसे जो है भोजन जो है वो पेट से आंतों के अंदर आया, आंतों के अंदर उसका जो पोषक तत्व है उसका अवशोषण हुआ. अब ये जो पोषक तत्व है जैसे प्रोटीन है,
अब ये प्रोटीन आंतों से हमारे सर तक भी पहुंचेगा, हमारे बालों तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन की आवश्यकता है। ये पोषक तत्व जो है हमारे नाखूनों तक पहुंचेंगे, ये पोषक तत्व जो है हमारी हड्डियों तक पहुंचेंगे, हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचेंगे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं अवशोषण होना, पोषक तत्वों का अवशोषण होना। तो ये जो है इसको हम कहते हैं अवशोषण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोरीज क्या है। आपने अभी देखा कि जैसे अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं, 1 ग्राम अगर हम फैट लेते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है। तो कैलोरीज क्या है? कैलोरीज जो है वो हमें एक ऊर्जा का माप है। जैसे कि हम अगर किसी को बुखार होता है तो हम किस में थर्मामीटर से नापते हैं और उसमें डिग्रीज में हम उसको नापते हैं कि भाई 101 डिग्री बुखार है। इसी तरह से जो है कैलोरीज जो है वो हमारी एनर्जी का नाप है, ऊर्जा का नाप है। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस ऊर्जा को हम किस में नाप रहे हैं? कैलोरीज में नापते हैं। ये जो ऊर्जा है, ये जो हमें खाना खाने से जो ऊर्जा मिल रही है, इससे हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी हो रही है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम पाचन कर, हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो रहा है, हम सोच रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सारे काम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर के भी अपने काम और हम जो दूसरे जो हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप लिख रहे हैं, मैं बोल रही हूं, तो इस सब करने के लिए जो है ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जो है हमें भोजन से मिलती है और ये जो ऊर्जा है इसको हम नापते किसमें है? कैलोरीज में नापते हैं। तो जैसे कि अलग अलग जो भोजन है वो हमें अलग अलग कैलोरीज मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम कुछ गाजर खाते हैं तो उससे हमें 33 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, अगर हम सेब खाते हैं तो उससे हमें 52 किलो कैलोरीज मिल रही हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग फलों और सब्जियों से, अलग अलग भोजन से हमें अलग अलग जो है ऊर्जा मिलती है, कैलोरीज मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरडीए। आरडीए भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। आरडीए का मतलब है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। देखिए ये सारे के सारे पोषक तत्व जो है हमें एक नियमित मात्रा में, एक जो है एक मिनिमम अमाउंट के अंदर हमें लेने चाहिए, न्यूनतम मात्रा। तो आरडीए क्या है? वह हर पोषक तत्व की वो न्यूनतम मात्रा जो कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रह सके। तो जो आरडीए क्या है, वह न्यूनतम मात्रा पोषक तत्व जो भी, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, इन सब की कितनी न्यूनतम मात्रा है जो कि हमें रोजाना लेनी ही चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से काम कर सके, इसको हम कहते हैं आरडीए। तो आरडीए यानी रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है यूटीएल। यूटीएल का मतलब है अपर टॉलरेबल लिमिट। ओके, अब ये जो है ये पोषक तत्वों की वो मात्रा है जो कि हम एक मैक्सिमम लिमिट तक कितना ले सकते हैं ताकि उसको लेने से हमें कोई नुकसान ना हो, उसको हम कहते हैं अपर टॉलरेबल लिमिट। तो मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कि विटामिन सी है। विटामिन सी की जो आरडीए है वो है 45 मिलीग्राम, यानी कि हमें 45 मिलीग्राम जो विटामिन सी है वो रोजाना लेना चाहिए न्यूनतम। बट यूटीएल क्या है, कितनी मात्रा तक हम विटामिन सी रोजाना ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, कि यूटीएल मतलब कि वो मैक्सिमम मात्रा जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के। तो इसको हम कहते हैं अपर टॉलरेबल लिमिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ही हमारे शरीर का महत्वपूर्ण जो है पोषक तत्व है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मतलब है जरूरी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम डिटेल में हम जब अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बात करेंगे के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम इसमें ओमेगा 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी आप ये समझने का प्रयास करें कि ये जो हमारा ओमेगा 3 है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक अच्छा फैट है जिसकी भरपाई कोई और पोषक तत्व नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोटानिकल। बोटानिकल्स जो है हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है, न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर है, न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर भी बोटानिकल्स है। तो ये बोटानिकल्स एक्चुअली में क्या है? तो बोटानिकल्स जो है ये औषधियां, वो औषधियां हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त होती हैं।
ओके तो जो हम पौधों से जो हम जड़ी बूटियां जो हम से जो हम लेते हैं उनको हम कहते हैं बोटानिकल्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स क्या है. तो हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो कि एक्चुअली में अस्थिर परमाणु हैं जो कि हमारी शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां या जो है रोग भी आ सकते हैं. तो ये फ्री रेडिकल्स जो है ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से हानिकारक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बनते रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर आते रहते हैं जैसे सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से, धुएं से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से और हमारे अगर चोट लग जाती है तो इनसे जो है हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है. एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो ये फ्री रेडिकल्स जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे होने वाले उसको उससे हमें बचाते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, हमें फ्री रेडिकल्स का जो दुष्प्रभाव है उससे हमें बचाते हैं या उससे हमारी रक्षा करते हैं. तो फ्री रेडिकल्स हमारे हानिकारक तत्व है, उनकी उनसे हम उनसे होने वाले जो नुकसान से हमें बचाने के लिए हमें किनकी जरूरत होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की. और हमारे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी. आई एम श्योर आप सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते ही हैं क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से हम इम्यूनिटी की ही बात कर रहे हैं. हर व्यक्ति जानता है कि इम्यूनिटी जो है इसको हमें बढ़ाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी जो है एक्चुअली में हमारे शरीर का अंदर का डॉक्टर है. अगर हम अंदर से मजबूत होंगे तो कोई भी बीमारी के रोग के लक्षण जो है वो हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे. देखिए हमारे चारों तरफ जो है वायरसेस बैक्टीरिया हानिकारक तत्व है जो कि हमारे शरीर के अंदर आते रहते हैं. बट अगर हमारा शरीर अंदर से मजबूत है तो ये जो हानिकारक तत्व है जो ये वायरसेस है बैक्टीरिया है हमारा शरीर जो है इनको मार गिराएगा ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी या रोग ना हो सके और इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी. तो ये जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका हमने जो जिसके बारे में जिन हम अक्सर यूज करते हैं और हम जो है इसको हमें अपने कस्टमर्स को कभी कभी एक्सप्लेन भी करना चाहिए. तो आई होप जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको यूजफुल लगी है और आप इसको अपने कस्टमर्स के साथ में यूज करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि ये बेसिक टर्म्स क्या है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम अक्सर जब भी हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल फिट हैं. बट आज के सेशन के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ या हमारा शरीर जो है ये हमारे शरीर की हमारा शरीर जो है ये सबसे बड़ी पूंजी है, पहला सुख निरोगी काया. तो ये अगर हमें जो है लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, फिट दिखना है, युवा दिखना है, सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है तो हमें जो है हेल्दी रहना है, हमें जो है स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है. तो अगर हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका क्या राज है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब चाहते कि हमारे बच्चों के जो है मार्क्स स्कूल में 100 out of 100 मार्क्स आए, राइट. इसी तरह से अगर हमें अपने हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में 100 out of 100 मार्क्स लेकर के आने हैं तो 70 मार्क्स या 70% फोकस हमारा किसके ऊपर होना चाहिए, न्यूट्रिशन पर होना चाहिए, यानी कि हम कौन से पोषक तत्व ले रहे हैं, हम कौन सा भोजन खा रहे हैं. और 30% हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने आप को कितना सक्रिय कर रहे हैं, कितना व्यायाम कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो इस तरह से अगर हम मतलब पोषण पर भी ध्यान देते हैं और अपने आप को एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह भी करते हैं तो हम जो है बिल्कुल फिट रह सकते हैं. अगर कोई ये व्यक्ति ये कहता है कि हम तो जो है बहुत अच्छा खाएंगे पिएंगे और उसी से फिट रहेंगे तो भी आप फिट नहीं रह सकते क्योंकि आपको जो है एक्सरसाइज की भी जरूरत है, हमारे शरीर को एक्टिव रहना चाहिए तो एक्सरसाइज की जरूरत है. और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो बहुत जिम जाऊंगा, बहुत एक्सरसाइज करूंगा, बहुत वॉक करूंगा और उसी से फिट रहूंगा तो भी संभव नहीं है, हमें जो है हमारे शरीर को काम करने के लिए भोजन की भी जरूरत है. तो दोनों का जो है कॉम्बिनेशन में अगर हम सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो हम फिट रह सकते हैं. तो यानी कि हमें पोषण के ऊपर भी ध्यान देना है और 70% हमारा स्वास्थ्य किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, हम क्या खा रहे हैं, एंड 30% जो है
कि हम अपने आप को कितना एक्टिव रखते हैं, कितना सक्रिय रखते हैं, कितना वॉक करते हैं, कितना व्यायाम करते हैं। तो अब ये जो 70% जो पोषण है ये हमें कहाँ से मिलता है? हमारे रोजाना के खाने से, जो हम जो सुबह नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अब हम क्या खाते हैं, आइए इसको थोड़े से इस बारे में बात करते हैं। हम वो खाना खाते हैं जो कि हमारे जो है घरों के अंदर जो है सदियों से बनता आ रहा है। आपने देखा है कि हमारे घरों के अंदर जो भी खाना बनता है, जैसे आपकी किचन के अंदर या हमारे किचन के अंदर या सब लोगों के जो है अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, और एक्चुअली में हम वो चीजें होती हैं जो कि हमारी मम्मी ने उन्होंने अपनी नानी दादी से सीखी, और फिर इस तरह से हम भी अपनी किचन के अंदर वो ही खाना बना रहे हैं जो कि हमने अपनी मम्मी से सीखा है, राइट? और आपने देखा है कि जैसे कि कुछ समुदायों के अंदर नॉन वेज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ समुदाय जो है वो चावल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ समुदाय जो है वो गेहूं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो हम जो खाना खाते हैं वो बेसिकली वो है जो कि हमें विरासत से मिला है, जो कि हमारे परिवार में जनरेशन से जो है चलता आ रहा है, राइट? इसके अलावा हम वो भी बहुत खाना खाते हैं जो कि हमें टेस्टी लगता है, जो कि हमारी जो है हमारे जो है जिसका स्वाद हमें अच्छा लगता है, राइट? जो जिस जो चीज हमें टेस्टी लगती है वो डेफिनेटली हम ज्यादा खाते हैं, राइट? और तो हम और आजकल अक्सर जो है जब भी हम किसी से बात करते हैं कि भाई हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो घर का बना खाना खाते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं तो यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत ही हेल्दी है। बट क्या ये सही है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो घर में जो खाना बना रहे हैं वो भी फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, और इसके अलावा आजकल तो सब लोग ऑनलाइन है, सब लोग जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सबका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जो है बहुत कुछ जो है अपने आप से बना बना करके वीडियोस के माध्यम से, ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो हम घर के अंदर भी ये पास्ता, पिज्जा, केक वगैरह जो है ये सारी चीजें हम घर पे बना रहे हैं। तो ये कहने अगर कोई ये व्यक्ति ये कह रहा है कि हम घर का खाना बना रहे हैं, घर का खाना ही खा रहे हैं, तो क्या हम बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक खाना खा रहे हैं? ये हमें सवाल जो है हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। दूसरा जो है हमारी बहुत सारी आदतें जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हमारी बहुत ही अनियमित खाने की आदतें हैं, हम टाइम पर नहीं खाते हैं या ठीक तरह से नहीं खाते हैं, और इसके अलावा हम जो जंक फूड यानी कि पास्ता, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, और प्लस जो है हमें आजकल आज की जो इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है इसके अंदर हमें बहुत तनाव है, इन सब के कारण जो है हमारा पाचन यानी डाइजेशन जो है वो भी जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व है क्या वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और अगर वो पूरा कर रहे हैं तो क्यों हम जो है बार बार बीमार हो रहे हैं, क्यों हमारे शरीर के अंदर जो है मोटापे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्यों हमारे चेहरे के ऊपर समय से पहले झुर्रियां दिखाई दे रही है? अगर हम घर का खाना खा रहे हैं, अगर हम बिल्कुल हेल्दी खाना खा रहे हैं, अगर हम बिल्कुल जो है स्वस्थ खाना खा रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक खाना खा रहे हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर ये सारी जो है निशानियां नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि बट आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर अक्सर बहुत सारे लोग जो है अक्सर आए दिन बीमार होते रहते हैं, मोटापा भी बहुत बढ़ रहा है, और हमारे चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां भी दिखाई देती हैं। तो आइए जानते हैं कि जो पोषण के बड़े बड़े जानकार है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो क्या कहते हैं। तो WHO ने जो है हर पोषक तत्व की एक मात्रा तय की है कि ये मात्रा आपको नियमित रूप से लेनी ही चाहिए, ओके? जिसके बारे में हमने अभी ही बात करी और वो है RDA। तो RDA जो है वो क्या है, पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा जिसका हमें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अब ये जो न्यूनतम मात्रा है क्या ये हमें साल में एक बार लेनी चाहिए या जो है 3 महीने में एक बार लेनी चाहिए या हर महीने लेनी चाहिए? आई एम श्योर आप जानते हैं कि ये जो पोषक तत्वों की जो न्यूनतम मात्रा है ये हमें जो है रोजाना लेनी है। ये जो हमारे पोषक तत्वों के जो ये टारगेट्स हैं ये रोजाना के टारगेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की रोजाना आवश्यकता है,
तो ये जो 60 ग्राम प्रोटीन है ये हमें रोजाना लेना है, ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार लेना है या हर महीने में एक बार लेना है। तो ये जो आरडीए है ये क्या है, हमें ये पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा है जिसका हमें रोजाना सेवन करना है। तो ये जो है, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें फिट रहना है, तो ये सारे के सारे पोषक तत्व, ये जो 7 प्रकार के जो पोषक तत्व है, यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये हमें जो है रोजाना एक नियमित मात्रा में रोजाना लेने हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमारे ये हम सारे के सारे सातों के सातों पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बट जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होती है, हमारा शरीर हमें संकेत दे देता है कि भाई आपके शरीर के अंदर कमी है कार्बोहाइड्रेट और फैट की इस वक्त। कैसे? हमें भूख लगती है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होती है, हमें लगती है भूख, और हम उसी टाइम जो है रोटी, चावल, आलू वगैरह खा लेते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो कमी हुई है उसको हम पूरा कर लेते हैं, ओके? इसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, हमें लगती है प्यास, और उसी टाइम हम पानी पी लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है, राइट। तो ये जो पहले जो 3 पोषक तत्व है, पानी, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में ये समझना है कि हमारे शरीर के अंदर जब इन तीनों पोषक तत्वों की कमी होती है, हमारा शरीर हमें भूख और प्यास के माध्यम से संकेत दे देता है और हम उसकी पूर्ति भी कर लेते हैं, ओके? बट हमको जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। यानी कि अगर आज आपने कम मात्रा में प्रोटीन खाया है, आपका शरीर आपको संकेत नहीं देगा कि आज आपने कम प्रोटीन खाया है, राइट? तो आपको जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर अगर आपने कम मात्रा में लिए हैं, तो हमें जो है इनकी ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, हमारा शरीर जो है इसके बारे में संकेत नहीं देगा। और क्योंकि हमें सिग्नल नहीं मिलता है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने आज कम मात्रा में प्रोटीन लिया है या कम विटामिन लिए हैं, कम मिनरल्स लिया है, तो जो है हमारे शरीर के अंदर के ऊपर जो है हमें बहुत सारे जो है निशानियां वो छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर न लेने के कारण हमारे चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ रहे हैं, हम बार बार बीमार हो रहे हैं और हमें बहुत सारी दवाइयां लेने की मजबूरी हो रही है, बार बार हमें डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हमारा मोटापा बढ़ रहा है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर जो कि मिलने चाहिए वो नहीं है। इसी तरह से इनकी वजह से, क्योंकि हम जैसे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज का रिस्क हो रहा है, तनाव, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो ये सारे पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर के जो काम करने की जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे कम ही होती हैं। आप जानते हैं बढ़ती उम्र के कारण हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, बढ़ती उम्र के कारण हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। इसी तरह से बढ़ती उम्र के कारण जो हमने जो हमारे जो पोषक तत्व जो हमने खाने से लिए हैं उनको अवशोषण होने की या उनकी जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि जब हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है? आंतों के अंदर हो रहा है। और आंतों से जो वो पोषक तत्व जो अवशोषित हो रहे हैं वो हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंच रहे हैं। तो बढ़ती उम्र के कारण हमारी जो अवशोषण की जो क्रिया है वो जो है कम हो जाती है, उसकी काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो नेचुरली आप चाहे भले ही आप बड़ी उम्र के हैं और आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, बट उम्र की वजह से आपके जो अवशोषण की जो क्षमता है वो कम हो रही है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। नंबर 1 कि 7 प्रकार के जो पोषक तत्व है उनको हमें सही मात्रा में रोजाना लेना है। मैं चाहूंगी कि आप इस पॉइंट को नोट करें और आइए आप अपने कस्टमर से भी बात करें कि क्या हम जो है ये 7 प्रकार के पोषक तत्व यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इन ये 7 प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में रोजाना नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं, नहीं? ओके? दूसरा जो है, क्या हम ये सारे के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर सही प्रकार से अवशोषित भी हो रहे हैं या नहीं?
क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारा पाचन गड़बड़ है, अगर चाहे भले ही हम यंग हो बट अगर हमारा पाचन गड़बड़ है तो ये पोषक तत्व अवशोषित नहीं होंगे, और बड़ी उम्र के अंदर तो वैसे ही अगर हमारी जो क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती हैं तो पोषक तत्व वैसे ही अवशोषित नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में दो चुनौतियां हैं। नंबर वन, या जो है सातों प्रकार के पोषक तत्व का सही मात्रा में नियमित रूप से सेवन करना, और दूसरा उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर के अंदर अवशोषित भी होना। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन का जो है नियमित रूप से सेवन करना है, राइट? ये हमने अभी बात करी। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन का नियमित रूप से रोजाना सेवन करना है, राइट? अब ये जो है अब हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन चाहिए हमारे मसल्स को बनाने के लिए, मसल्स ठीक से काम करें उसके लिए। और मसल्स क्यों चाहिए? मसल्स का मतलब ये नहीं है, ये इस तरह के डोले शोले जो हम जिम में लोग देखते हैं वो नहीं है। मसल्स का मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं वो मांसपेशियों की वजह से है, मसल्स की वजह से है। अगर आप सब्जियों से भरा थैला उठा पा रहे हैं, अगर आप घर के काम बाहर के काम कर पा रहे हैं, इनफैक्ट जो आप अभी लिख रहे हैं, अभी आप जैसे जो लिख रहे हैं आप अपने पेन से पेंसिल से लिख रहे हैं, तो वो भी उसमें भी आप मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बाहर साइकिल चला रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई घर के अंदर काम कर रहा है, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, ये सारे के सारे काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मसल्स की आवश्यकता होती है। ओके? तो हमें मसल्स क्यों चाहिए? हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? मसल्स के लिए चाहिए, और मसल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये आप जानते ही हैं। दूसरा, हमें प्रोटीन चाहिए बालों के लिए, क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं, राइट? और हमें प्रोटीन चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो युवा दिखे, यंग दिखे, और जो है उसके ऊपर जो है समय से पहले झुर्रियां वगैरह ना दिखाई दें। तो हमारी स्किन को युवा दिखने के लिए, कोमल दिखने के लिए, स्वस्थ दिखने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। और प्रोटीन जो है वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट जब हम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चाहिए, और प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन चाहिए हमारे मसल्स के लिए ताकि हम काम कर सकें, प्रोटीन चाहिए बालों के लिए, प्रोटीन चाहिए युवा स्किन के लिए, और प्रोटीन चाहिए इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए, राइट? तो अब ये जो 60 ग्राम प्रोटीन है ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिल सकता है 10 से 12 ग्लास अगर हम दूध के रोजाना लेते हैं तो हमें जो है 60 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। अगर हम 15 से 20 रोटी रोज खा लेते हैं तो हमारा जो है 60 ग्राम का प्रोटीन हमें मिल सकता है। अगर हम 10 से 12 दाल कटोरी भी खाते हैं तो भी जो है हमारा जो है 60 ग्राम का प्रोटीन का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। और अगर हम 250 ग्राम बादाम रोज खा लेते हैं तो उससे हमारा जो ये 60 ग्राम का प्रोटीन जो है वो पूरा, जो हमारे रोजाना का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है, राइट? बट अगर सबसे पहले तो आई एम श्योर इतनी मात्रा में सारा खाना संभव नहीं है, और अगर हमने खा भी लिया तो इसको हमारे शरीर के अंदर अवशोषित कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सिर्फ लेना ही जरूरी नहीं है, हमारे शरीर को ठीक से काम करना भी जरूरी है ताकि ये सारे के सारे जो इसके अंदर जो प्रोटीन है वो हमारी आंतें, हमारा शरीर जो है अवशोषित कर पाए। तो अब क्या होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम जैसे हम बताते हैं कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट के अंदर या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। तो जैसे ही हम सोया प्रोटीन बोलते हैं तो लोगों अक्सर लोग बोलते हैं कि हम तो सोयाबीन खाते, राइट? तो सोया, और सोयाबीन खाना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स है, सोयाबीन जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। बट 60 ग्राम प्रोटीन अगर लेने के लिए हमें जो है लगभग 160 ग्राम सोयाबीन रोज खाना पड़ेगा। ये जो सोयाबीन की जो बीन्स है, जो फलियां है, जो दाल कहेंगे आप, इसको रोज खाने, हमें ये रोज खानी पड़ेगी 160 ग्राम, ताकि हमें 60 ग्राम प्रोटीन मिल सके, राइट? बट ये जो इतनी मात्रा में सोयाबीन खाना संभव नहीं है क्योंकि इसका स्वाद जो है थोड़ा सा कसैला सा होता है, थोड़ा सा कड़वा सा होता है। और दूसरा, सोयाबीन खाने से जो है पेट फूल जाता है, गैस वगैरह सी हो जाती है, तो क्योंकि इसको पचाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर हम सोयाबीन की दाल या जैसे सब्जी के रूप में अगर उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें 160 ग्राम सोयाबीन रोज लेना पड़ेगा एक व्यक्ति को, ओके?
और ये हम रोजाना खा नहीं सकते क्योंकि इसका थोड़ा सा स्वाद थोड़ा सा अजीब सा होता है, कसैला सा कड़वा सा होता है, और प्लस इससे पेट भी जो है वो फूल जाता है। और इसके अलावा मतलब ये जो हमने 160 ग्राम सोयाबीन की हमने या तो सलाद बनाया है या सब्जी बनाई है या दाल के रूप में बनाया है, इसको बनाने से लेने से हमें साथ में मिलेगा 29 ग्राम फैट और 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ओके तो यानी कि प्रोटीन के साथ साथ हमें फैट भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। अब ये जो 160 ग्राम सबसे पहले तो ये जो सोयाबीन है ये रोजाना खाना संभव नहीं है, और अगर आपने खा भी लिया तो हमारा शरीर इसको अवशोषित ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सोयाबीन के अंदर कुछ प्राकृतिक तौर से कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि उसके एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को रोक देते हैं। ओके तो यानी कि सोयाबीन हमारा शरीर उसमें कुछ नहीं कर रहा है, हमारा सोयाबीन के अंदर ही खुद ऐसे पोषक तत्व है, ऐसे तत्व हैं जो कि इस पोषण को रोक देते हैं, तो यानी कि वो कंप्लीट सॉरी एब्जॉर्प्शन को जो है रोक देते हैं, जिसको हम कहते हैं इनिबिटर्स। तो सोयाबीन के अंदर प्राकृतिक तौर से कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि ये सारा का सारा जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 160 ग्राम सोयाबीन खा रहे हैं दाल या सब्जी या सलाद के रूप में तो भी वो हमारे शरीर के अंदर पूरी मात्रा में उसका पूरा फायदा हमें नहीं मिलेगा। दूसरा जो होता है अक्सर क्या करते हैं लोग गेहूं के साथ में जो है आटे को आटे में सोयाबीन को पिसवाते हैं, तो सपोज करे बट इससे जो है हमें पूरा जो आरडी है हमें लेना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि हम क्या करेंगे 10 किलो आटे के अंदर 1 किलो सोयाबीन जो है पिसवाएंगे, और तो इसके हिसाब से हमें एक रोटी के अंदर लगभग 4 से 5 ग्राम सोयाबीन ही सोयाबीन का आटा मिलेगा। और ये जो है ये भी जो आटा है ये भी जो है इनहिबिटर से युक्त है, तो यानी कि एक रोटी से हमें 1 से 2 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाएगा और ये प्रोटीन भी इनहिबिटर्स और अन्य हानिकारक तत्वों से युक्त है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो लोग बोलते हैं कि हम सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके शरीर के अंदर एक्चुअली में कितनी मात्रा में प्रोटीन जो है उनके शरीर के अंदर जा रहा है। वैसे हम सोचते हैं कि सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतनी मात्रा खाने के बावजूद भी हमारे शरीर के अंदर जो हमें पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित ही नहीं हो पा रहा है। ओके तो ये बात को हमें समझना भी है और समझाना भी है। तो दूसरा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये बताता है कि एक महिला को रोजाना 21 मिलीग्राम आयरन रोजाना लेना चाहिए। ओके एक एडल्ट महिला को एक जो है वयस्क महिला को रोजाना 21 मिलीग्राम आयरन का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अब ये 21 मिलीग्राम आयरन हमें कहाँ से मिलता है? ये 21 मिलीग्राम आयरन हमें मिलता है 1 किलो पालक रोज खाने से, वो भी कच्चा। तो अगर कोई महिला 1 किलो पालक रोजाना खाती है तो उनको जो ये 21 मिलीग्राम आयरन जो कि उनकी शरीर की आवश्यकता है रोजाना की आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। बट क्या आप जानते हैं, आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1 किलो पालक रोजाना खाना किसी के लिए भी संभव नहीं है और कच्चा तो बिल्कुल ही खाना संभव नहीं है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर को जो 21 मिलीग्राम आयरन की जो रोजाना की आवश्यकता है वो मिल ही नहीं रही है, वो हमारा शरीर को मिल ही नहीं रहा है 21 मिलीग्राम आयरन। और अगर हम जो है एक कटोरी या कुछ हमने पालक की सब्जी वगैरह खा ली तो उसमें तो बहुत ही कम मात्रा में, वैसे ही जिस तरह से हम बनाते हैं अपनी दाल सब्जियों को बनाते हैं तो उसमें पोषक तत्व वैसे ही जो है नष्ट हो जाते हैं। तो अगर सपोज करिए आपने पालक की सब्जी भी बना ली या पालक का सूप भी पी लिया तो हमारे को जो है पोषक तत्व जो आयरन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, तो ये बात को भी हमें समझना है। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सब लोग ऑनलाइन है, सब लोग जो है हमारे लैपटॉप मोबाइल टीवी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये सारे के सारे जो गैजेट्स है ये जो सारे के सारे जो उपकरण है इनसे नीली किरणें निकलती हैं। ये जो नीली किरणें हैं ये हमारी आंखों को बहुत क्षति पहुंचाती है, राइट? अब ये इससे जो है हमारी आंखों के अंदर खुजली जो है वगैरह महसूस होती है, हमारी आंखें शुष्क हो जाती हैं। तो ये आपने देखा है कि ये नीली किरणों से जो हमारे टीवी मोबाइल लैपटॉप वगैरह से निकलती हैं उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो हमारे जो ये नीली किरणों का जो दुष्प्रभाव है इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ल्यूटीन और जियाजैंथिन जो कि पोषक तत्व है इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए।
ओके, ल्यूटीन और जियाक्सांथिन जो है, ये जो नीली किरणें जो कि हमारे ये उपकरणों से निकल रही हैं, यानी मोबाइल से, लैपटॉप से निकल रही हैं, उससे हमें बचाने में मदद करती हैं, राइट। अब ये ल्यूटीन और जियाक्सांथिन कितना चाहिए, हमें सिर्फ 20 मिलीग्राम ल्यूटीन रोजाना अगर हम लेते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं, और हमें सिर्फ 4 मिलीग्राम जियाक्सांथिन लेना है तो हमारी आंख जो नीली किरणों का जो ये दुष्प्रभाव है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बट ये जो 20 मिलीग्राम ल्यूटीन है, ये पाने के लिए हमें क्या खाना होगा, 4 किलो गाजर। तो अगर हम 4 किलो गाजर रोज खाते हैं तो ये जो 20 मिलीग्राम ल्यूटीन की जो हमारी रोजाना की आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। इसी तरह से 4 मिलीग्राम जियाक्सांथिन जो कि हमारे लिए जरूरी है, उसको पूरा करने के लिए हमें 5 मक्का या 41 संतरे रोजाना खाने हैं। क्या अब ये हमारे लिए खाना संभव है? द आंसर इज नो। ओके, तो एक ये पॉइंट को भी हमें समझना है। नेक्स्ट हमने बात करी थी फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व, यानी कि वो पोषक तत्व जो कि हमें पौधों से मिलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हमें रंग बिरंगे फलों को रोजाना खाना चाहिए। आप ये देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें रेनबो जो ये सतरंगी फलों को रोज खाना चाहिए, आप देख रहे हैं ये सारे रंग अलग अलग रंगों के फल हैं। क्या हम ये रोजाना इतने तरह के रंग के रंग बिरंगे फल खाते हैं? आंसर इज नो अगेन। हम श्योर हम सब जो है एक ही तरह के फल खाते हैं, और वो भी जो है जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो ही खाते हैं। हमारे हम जैसे ये ब्लू बेरीज वगैरह जो है ये तो हम बिल्कुल लेते ही नहीं है। तो इसका मतलब जो है हम ये जो अलग अलग रंगों के जो फल हमें रोजाना खाने चाहिए वो भी हम नहीं खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स हमारे पास में बहुत सारी हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम्स हमने देखा कि हम ये इतने तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं खा पा रहे हैं। हम अगर हमें अपनी आंखों को बचाना है तो हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो उसके खाने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है भोजन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे 4 किलो गाजर खानी होगी या 1 किलो पालक खाना होगा, या हमें जो है ज्यादा मात्रा के अंदर जो है सोयाबीन खाना होगा। तो ये सारी, और जैसा कि आप जानते हैं ये हम रोजाना जो है इतनी मात्रा में हमारे लिए खाना संभव नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है न्यूट्रिशन साइंस, न्यूट्रिशन विज्ञान की मदद से हम ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं जो कि हमारे भोजन के अंदर मौजूद है उसको हम निकाल लेते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि ये जो जैसे कि टमाटर है, टमाटर में से हमने क्या निकाल लिया, लाइकोपीन निकाल लिया। जैसे संतरा है, संतरे में से हमने क्या निकाल लिया, विटामिन सी निकाल लिया। तो ये जो विटामिन सी है या जो लाइकोपीन है या जो भी, जैसे सोयाबीन के अंदर से हमने आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को निकाल लिया है, ये जो हमने न्यूट्रिशन साइंस की मदद से ये जो पोषक तत्व जो हमारे जो हमारा जो खाद्य पदार्थ है उनमें से हमने ये निकाल लिए हैं, ये बिल्कुल गाढ़े और शुद्ध फॉर्म में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, और वो भी 90-95% या ज्यादा जो है हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। तो नेचुरली हमें क्या चाहिए, ये सारे के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर सही मात्रा में पहुंचे और पूरी जो है अवशोषित हो, राइट। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हम ये सारे के सारे पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर हमें मिल भी जाते हैं। और दूसरा, जैसे सोयाबीन के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि उसके खुद के पोषण को रोकने में मदद रोकने का काम करते हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से हम सोयाबीन में से वो जो इनहिबिटर्स हैं, यानी कि वो तत्व जो कि एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, उसको हम हटा देते हैं, राइट। और उससे हमें क्या मिलता है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अब ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ये हमारे शरीर के अंदर 91 से लेकर के 95% तक अवशोषित हो जाता है। हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर सुचारू रूप से अवशोषित हुए तभी उसका फायदा होगा। हम सिर्फ खाने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम ये पोषक तत्व इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके अपना काम कर सके। और ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ये प्रोटीन है, और इसका काम क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि इस प्रोटीन का काम है हमारे मसल्स को मजबूत करना, मसल्स का रखरखाव करना, दूसरा हमारे बालों को स्वस्थ रखना, हमारी स्किन को बेहतर रखना, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना। तो ये जो है ये 91 से 95% तक जब ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन अवशोषित होगा तभी तो वो हमारे शरीर के अंदर ये सारे काम करेगा। तो ये हम किससे कर सकते हैं,
न्यूट्रिशन साइंस की मदद से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के अंदर 20 ग्राम का पाउडर होता है और इसमें से जो है आपको 15 ग्राम जो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है। तो हम, और जैसा मैंने आपको बताया कि हम 60, अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए, राइट। तो 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया कहां से? न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट से। अब बाकी का जो 45 ग्राम प्रोटीन है वो हम कहां से ले सकते हैं? हमारे रोज के खाने से ले सकते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो खाना है वो इतना प्रोटीन से युक्त नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लेना चाहिए ताकि हमें 30 ग्राम प्रोटीन जो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है वो हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट से मिल सके, और बाकी का जो 30 ग्राम प्रोटीन है वो हम अपने भोजन से ले लें, जैसे रोटी से ले सकते हैं, हम दालों से ले सकते हैं, हम मीट अंडे से ले सकते हैं, हम दूध दही वगैरह से जो है हम प्रोटीन को ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे जो रोजाना की जो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ओके, न्यूट्रिशन साइंस की मदद से विटामिन्स मिनरल्स जो है वो बहुत ही ऐसे फॉर्म के अंदर है ताकि वो हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित हो सके। अब जैसे आयरन है, आयरन हमने बात करी थी कि एक महिला को 21 मिलीग्राम आयरन की रोजाना आवश्यकता है जो कि हमें मिलता है 1 किलो पालक खाने से। अब आप जानते हैं कि 1 किलो पालक खाना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर है फेरस बिसग्लाइसिनेट। ये आयरन का वो फॉर्म है जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है और जो कि हमारे जो है सही मात्रा में हमारे शरीर को भी मिल जाता है, राइट। इसी तरह से हमने बात करी थी फाइटो न्यूट्रिएंट्स, हमने कहा था कि हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स खाने हैं, रंग बिरंगे फल खाने हैं रोजाना। अब जानते हैं कि हमें इस तरह के रोजाना रंग बिरंगे फल खाना संभव नहीं है, इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे फल तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो है मिलते ही नहीं है, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स वगैरह में ही मिलते हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर ये 13 फलों का सत्व है जो कि ये हमें अलग अलग तरह के फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो यानी हम न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक टैबलेट लेंगे और इस तरह से हमें जो है ये 13 तरह के रंग बिरंगे फल और उनसे मिलने वाले फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को रोजाना मिल सकते हैं। ओके, और ये सब किससे संभव है? न्यूट्रिशन साइंस की मदद से और हेल्थ सप्लीमेंट्स में। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर के साथ साथ इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो जैसे फल है, सब्जियां हैं, इनके ऊपर बहुत केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो है हानिकारक तत्व तरह तरह से आ रहे हैं जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और ये जो हानिकारक तत्व हैं नेचुरली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है जो हमने बात करी थी? ये एंटीऑक्सीडेंट्स वो पोषक तत्व है, वो न्यूट्रिशन तत्व है जो कि हमारे जो शरीर के अंदर जो ये हानिकारक तत्व है उनको जो है नष्ट करने में मदद करते हैं और उनसे होने वाले जो ये हानिकारक तत्व है उनसे होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज व्यू, जैसे हमने आप बात करी थी कि हमारे जो हम उपकरण यूज कर रहे हैं, जो हम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे निकलने वाली जो नीली किरणें हैं ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसको, इनसे बचने के लिए, इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या लेना होगा? ल्यूटीन और जियाजैंथिन, जो कि मैंने आपको बताया ल्यूटीन जो है हमें 20 मिलीग्राम चाहिए और उसको खाने के लिए हमें, उसको लेने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 किलो गाजर खानी होगी, या जियाजैंथिन हमें जो है बहुत ही कम मात्रा में चाहिए और उसके लिए हमें 41 नारंगी खानी पड़ेगी, तब जाके हमारी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं नीली किरणों के दुष्प्रभाव से, राइट। बट क्योंकि ये इतना खाना संभव नहीं है तो न्यूट्रिशनल साइंस की मदद से हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे कि न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर हमें 20 मिलीग्राम ल्यूटीन और 4 मिलीग्राम जियाजैंथिन आसानी से मिल सकता है। तो यानी एक कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल अगर हम लेते हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू का, तो हमें आसानी से 20 मिलीग्राम ल्यूटीन और 4 मिलीग्राम जियाजैंथिन मिल जाता है। तो यानी कि हमें 4 किलो गाजर, 41 नारंगी
पांच भुट्टे ये सब खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक न्यूट्रीचार्ज व्यू का कैप्सूल लेंगे और हमारे जो आंखों के लिए जो ल्यूटीन और जियाक्सांथिन जो जरूरी है वो हमें पूरा मिल जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 72 पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर की अंदर से सफाई करते हैं, हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं, अंदर से साफ रखते हैं। और कुछ ऐसे पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी है, मतलब वो हमारे शरीर हमारा शरीर उनके बिना काम नहीं कर सकता है, और वो जो पोषक तत्व है वो हमारे रोजाना के भोजन से हमें नहीं मिल पाते हैं और ना ही हमारा शरीर उनको बनाता है। तो जैसे कि तो ऐसे पोषक तत्व जो है हमें एक हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से ही हम ले सकते हैं। तो जैसे कि ओमेगा थ्री जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ओमेगा थ्री की बनी हुई होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें, और ये हमारे रोजाना के भोजन से हमें नहीं मिल पाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो ये हमें कहाँ से मिल पाएगा, ये हमें मिल पाएगा हेल्थ सप्लीमेंट जैसे कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इसी तरह से विटामिन बी ट्वेल्व ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन बी ट्वेल्व भी हमारे रोजाना के भोजन से हमें नहीं मिल पाता है, तो इसको हमें कहां से लेना पड़ेगा, हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से। और विटामिन बी ट्वेल्व हमें कहां मिलता है, न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर। इसी तरह से कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और ये जो सारे के सारे पोषक तत्व हैं हमें सही अनुपात के साथ में लेने हैं और सही इंग्रेडिएंट मिक्स के साथ में लेने हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारे के सारे पोषक तत्व हमें सही अनुपात और सही इंग्रेडिएंट मिक्स के साथ में लेना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज S5, तो न्यूट्रीचार्ज S5 में आप जब भी किसी को बताएंगे कि उसके अंदर ब्लैक सीड है, तुलसी है, नीम है, जैसे ही आप तुलसी और नीम बोलते हैं, आई एम श्योर आपके पास आपको सुनने में आता होगा, अरे हम तो तुलसी की चाय पीते हैं, हम तो तुलसी का काढ़ा पीते हैं, और नीम तो हमारे आंगन में ही लगा हुआ है, हम तो रोज नीम की पत्तियां खाते हैं। बट आपको उनसे पूछना है कि क्या आप इनको सही अनुपात में खा पा रहे हैं रोज। जो हमें, जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो है 100 मिलीग्राम नीम है, ये नीम जो है नीम की 100 पत्तियों के बराबर है, ये जो 100 मिलीग्राम नीम है ये नीम की 100 पत्तियों के बराबर है, और आपको एक कैप्सूल के अंदर मिल रहा है। तो क्या कोई व्यक्ति जो है वो 100 पत्तियां नीम की रोज खा पा रहा है? द आंसर इज नो, आई एम श्योर 4-5 पत्तियों से ज्यादा कोई नहीं खा पाता होगा, और रोज भी कोई नहीं खाता होगा, चाहे भले ही वो कितना हेल्थ कॉन्शियस हो। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे पोषक तत्व जो है हमें सही मात्रा में सही पोषक तत्वों के साथ में, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, दाल सब्जी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम सही अनुपात के अंदर ही नमक डालते हैं ना, कम डालेंगे तो भी टेस्टी नहीं होगी डिश, और अगर ज्यादा डालेंगे तो खाई ही नहीं जाएगी। इसी तरह से जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं इनके अंदर भी जो ये पोषक तत्व है ये सही मात्रा में होने चाहिए, सही अनुपात में होने चाहिए। तो ये पॉइंट जो है हमें अपने कस्टमर्स को समझाना है, जो बोलते हैं कि हम तुलसी की चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं या पत्तियां खाते हैं, आपको ये बताना है। और दूसरा एक और पॉइंट आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं कि ये जो पत्तियां आप खा रहे हैं या जो तुलसी की जो चाय काढ़ा पी रहे हैं, क्या आपका आप जो है सही मात्रा और अनुपात तो है ही, उसके बाद में क्या आपका शरीर उनको उस फॉर्म में अवशोषित भी कर पा रहा है या नहीं, ये भी आपको उनको बताना है। तो इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर ये इतने सारे पोषक तत्व हैं जो कि सही मात्रा में है और सही अनुपात में है। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर हमें बिल्कुल फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, और अगर हमें अपने आप को बीमारियों से बचाना है, तो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो रोज का जो खाना है उसके अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हमें नहीं मिल पाएंगे, और जो है हम उनको सही अनुपात में भी नहीं ले पाएंगे। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है ये हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जैसे हम रोजाना 3 टाइम खाना खाते हैं, उसी तरह से हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स भी रोजाना लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे भोजन के अंदर जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से। ओके, तो अब जैसे आप जब किसी भी किसी के पास में जाते हैं तो वो सब कहते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम तो बिल्कुल फिट हैं, हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने की जल्दी क्या है, अभी बिल्कुल फिट है। तो आपको ये उनको बताना है, अक्सर ये जो बोलते हैं कि क्या जल्दी है, ले लेंगे जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो ले लेंगे, बट आपको उनको बताना है कि हमारे शरीर के अंदर निरंतर बदलाव आते जा रहे हैं, और ये जो बदलाव ऐसे हैं जिनको हम बाद में पलट नहीं सकते, जिनको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते,
जैसे कि अगर हमारे जो है मसल्स, जो है मसल्स की जो हमारी जो क्वालिटी है, जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो अगर जो है जैसे बढ़ती उम्र के साथ जो है वो कम होती जाती है, और अगर एक बार हमारे मसल्स कमजोर हो गए तो उनको वापस से उसी उस अवस्था में लेकर के आना बहुत मुश्किल है. ओके, इसी तरह से और बढ़ती उम्र में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल. इसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं, एक बार अगर हमारी आईसाइट कमजोर हो जाती है, अगर हमारा रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, अगर हमारी एक बार आईसाइट कमजोर हो जाती है तो हमें चश्मा ही लगाना पड़ेगा. आप वापस से अपनी आईसाइट को जो है उसी अवस्था में नहीं लेकर के आ पाए, राइट. इसी तरह से हमारे जो दिल की जो स्ट्रक्चर है, दिल की जो दीवारें हैं, उनका जो उनकी जो बनावट है, उसके अंदर अगर एक बार बदलाव आ जाता है तो उसको बाद में आप वापस से उसी अवस्था में लेकर नहीं आ सकते. यस, आप रिपेयर जरूर कर सकते हैं, बट आप जानते हैं कि जो है वापस से आप नॉर्मल और वो परफेक्ट स्टेज में नहीं लेकर के आ सकते. तो ये बात को हमें समझना है कि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो ये बदलाव आ रहे हैं, ये इनको हम जो है आसानी से पलट नहीं सकते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं ये अपरिवर्तनीय है. एक बार आंखें नष्ट हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, तो नेचुरली वो हमें चश्मा ही लगाना पड़ेगा, लेंस ही लगाना पड़ेगा. तो वापस से वो 6x6 नहीं होगी, थोड़ी बहुत कम जरूर हो सकती है आप अगर प्रयास करते हैं तो. इसी तरह से मसल्स की क्वालिटी जो है वो वापस से उसी प्रकार नहीं आ पाएगी. हमारा जो दिल की जो संरचना है या हमारे शरीर के बाकी जो अंग है, उन वो वापस से नॉर्मल उसी अवस्था में नहीं आ पाएंगे. तो पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सारे जो बदलाव आ रहे हैं इनको होने से जरूर रोक सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हम जो है जो ये जो सारी की सारी जो समस्याएं जो हमारे शरीर के अंदर आएंगी, इनको होने से रोक जरूर सकते हैं. और ये जो है कैसे हम रोक सकते हैं, ये हम रोक सकते हैं न्यूट्रिशन, पर्याप्त न्यूट्रिशन और उचित व्यायाम के साथ में. तो जैसा हमने शुरू में आपको बताया था कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना है, पोषण के ऊपर भी ध्यान देना है और न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना है, और दूसरा हमें व्यायाम या एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करना है. तो अगर हम जो है अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारी हम चाहते हैं कि हमारे पास में भी ना आए, तो हमें जो है न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस करना है और व्यायाम का भी करना है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर हमें ये पर्याप्त मात्रा में सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और कुछ लोग जो है डाइटिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या ठीक से नहीं खाते हैं, तो उनको जो वो पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व जो हमें RD के अनुसार जो हमें रोजाना लेने चाहिए वो मिल ही नहीं पाते. तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम खाना जो हम खा रहे हैं उसके अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पा रहे हैं. तो वो हमें कहाँ से मिल पाएंगे, ये हम हेल्थ सप्लीमेंट्स के माध्यम से ही उनको ले पाएंगे. तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ही जो है जो हमारी जो आहार कमी है, जो हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व जो हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं, उनकी कमी को पूरा करते हैं हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स. तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए. जिस भी दिन हम जागे, जिस जब भी आंख खुली, उसी दिन सवेरा समझ के हमें जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए. और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना जो है हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये एक विकल्प नहीं है, ये एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत है. तो हमारे यहाँ पे जितने भी हम सब यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, और इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, खुद से करनी है. सबसे पहले हमें खुद को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना है और हमें आगे जाकर के दूसरों को भी सेल करना है. तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को जो है हमें एक ग्लास पानी के साथ में लेना चाहिए. नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए हमें न्यूट्रीचार्ज मैन लेना है या न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना है या कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, तो हम क्या करते हैं एक या दो घूंट पानी के साथ में ले लेते हैं, क्योंकि एक या दो घूंट पानी काफी होता है किसी भी टैबलेट या कैप्सूल को निगलने के लिए, राइट. बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमने हेल्थ सप्लीमेंट लिया है उसका पूरा फायदा हमें मिले और वो जल्दी से हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो और अपना काम को करे, तो हमें जो है पूरे एक गिलास पानी के साथ में जो है इसको लेना चाहिए, राइट. तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को एक ग्लास पानी के साथ में लेना चाहिए. तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मैम हम सुबह जो है न्यूट्रीचार्ज मैन लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज
नट्रीचार्ज व्यू लेते हैं, तो क्या हमें 4 ग्लास पानी एक साथ पानी पीना चाहिए? नो, आप 1 ग्लास पानी पिएंगे और इनके साथ उसके साथ में आप ये चारों हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो न्यूट्रिश अक्सर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हमारे अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, बट आई एम श्योर अब आप बिल्कुल जान चुके हैं क्योंकि हमने पिछले सेशन के अंदर एक टॉपिक के बारे में बात करी थी। तो क्या आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने से हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो सकती है? और तो क्या इसके बारे में हमने एक पॉइंट के बारे में बात करा था, कोई बताना चाहेगा कि वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करी थी? UTL, वेरी गुड श्रीनिवास, फैंटास्टिक। UTL यानी अपर टॉलरेबल लिमिट, ये जो है ये बिल्कुल सही, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है, अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या ये हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा हो सकती है? द आंसर इज नो। Why? क्योंकि देखिए, जो जैसा कि आप जानते हैं, WHO ने जो है न्यूनतम मात्रा डिसाइड करी है कि ये पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा हमें लेना ही चाहिए ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, बिल्कुल फिट रहें। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अंदर जो ये पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो है RDA के अनुसार, ओके? और RDA तो मिनिमम मात्रा है, न्यूनतम मात्रा है, तो इससे तो नुकसान होने की कोई संभावना है ही नहीं। और जो ये RDA है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो RDA है, ये हमारे जो पोषक तत्वों का जो RDA जो कि हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर है, वो हमारे रोजाना के शरीर की देखभाल करने के लिए। इनफैक्ट अगर हमें अपने आप को बीमारियों से बचाना है तो हमें और ज्यादा पोषक तत्वों की जो है लेनी पड़ेगी, मात्रा लेनी पड़ेगी, और जो कि RDA से काफी ज्यादा है, ओके? तो ये वाली जो हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज मैन है या न्यूट्रीचार्ज वुमन है या न्यूट्रीचार्ज किड्स है या कोई भी हमारा सप्लीमेंट के अंदर सारे जो पोषक तत्व है वो RDA के अनुसार है। तो ये जो RDA के अनुसार जो हमारे जो पोषक तत्व है हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के, वो सिर्फ ये काम करते हैं कि हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से काम कर सके, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से हो सके, हमारी कोशिकाएं जो है ठीक प्रकार से काम कर सके। और अगर हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो हमें जो है पोषक तत्व जो है RDA से ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। और एक और चीज आप जानते ही हैं, UTL यानी अपर टॉलरेबल लिमिट, जैसा कि मिस्टर रेड्डी ने सही से बताया, हम जो है अपर टॉलरेबल लिमिट जो है वो भी तय की गई है, यानी कि मैक्सिमम जो मात्रा जो कि आप रोजाना ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के, अधिकतम मात्रा जो कि आप रोजाना ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और जैसा मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, विटामिन सी जो है उसका RDA है 45 मिलीग्राम और UTL है 2000 मिलीग्राम। तो यानी कि तो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर तो कितना होगा, 45 मिलीग्राम ही होगा, जबकि मैं आप 2000 मिलीग्राम तक आप उसको ले सकते हैं। तो अगर कोई किसी का ये सवाल होता है कि क्या हम अगर हम हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं तो क्या हमें नुकसान होगा, क्या हमारे जो है जो पोषक तत्व जो है उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, द आंसर इज नो, जी नहीं, ठीक है? तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा पोषक तत्वों का सही और उचित मात्रा में हम ले सकते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है जो इनिबिटर्स या जो वो ऐसे शुद्ध और गाढ़े फॉर्म में है जो कि हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित होकर के उनका जो भी काम है वो पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जानते हैं कि अगर हमें बिल्कुल फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें जो है 70% मार्क्स कहाँ से लाने हैं, पोषक तत्वों से, हम क्या खा रहे हैं, और 30% मार्क्स हमें लेकर के आने हैं कि हम अपने आप को कितना फिट रखते हैं, कितना एक्टिव रखते हैं, कितना सक्रिय रखते हैं, कितना व्यायाम करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम करते हैं तभी हमारे हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में, तभी हमारी जिंदगी के रिपोर्ट कार्ड में 100 out of 100 मार्क्स आएंगे। तो आई होप आप जो है बिल्कुल कन्विंस्ड है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come.